वो धूपों में तपती जमीनों के सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह टोंगी बांग्लादेश आलमी इज्तिमा की कारगुजारी, और कितनी जमातें निकली और कितने मुल्कों से, कितने देशों से, कंट्रीज से लोग आए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा था 17, 18, 19 जनवरी 2020, तीन दिन का इज्तिमा था। और ये इज्तिमा बांग्लादेश का दूसरा हिस्सा था। पहले इज्तिमा 9, 10, 11 जनवरी का हुआ, जो कि शुरा हजरात की निगरानी में था। तकरीबन उसमें 50,000 का मजमा था, जमातों की कारगुजारी नहीं है। और अब जो इज्तिमा हुआ है दूसरा हिस्सा 17, 18, 19 जनवरी 2020, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मरकज निजामुद्दीन के अकाबिर तशरीफ ले गए हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दामत रकातुहु, जमात के अमीर थे और उस जमात के साथ शिरकत फरमाई और इज्तिमा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा के अंदर दुआ के टाइम 10 लाख का मजमा था, और 61 देश के अफराद ने शिरकत की, 61 कंट्री के लोगों ने शिरकत की, और इसके अंदर टोटल जो मेहमान आए थे बाहर मुल्कों से, दूसरे मुल्कों से, दूसरे देशों से, वो 4702 लोग थे, और टोटल जमातें जो आलमी इज्तिमा बांग्लादेश से निकली है, जिसमें एक साल की उलमा की जमातें भी है, 4 माह उलमा की जमातें भी है, और जो बांग्लादेश से निकली है बांग्लादेश के अंदर काम करेगी, और इसके अलावा मक्का और मदीना सऊदी भी जमात गई है इस साल की, और इसी तरीके से मस्तूरात की जमात भी इसके अंदर शामिल है। कुल जमातें 2364 जमातें निकली हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये पूरी उसकी कारगुजारी है, टोटल खरूज कितने लोगों ने अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, कितने खरूज हुआ है, वो सारी इस बांग्लादेश की जमात की कारगुजारी के पर्चे पर आप देख सकते हैं। और कौन कौन से देश से अफराद तशरीफ लाए, उसमें ये है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, कंबोडिया, कमरोस, कनाडा, चाइना, सेप्रूम, दजीबाउटी, और इस तरीके से अरब से भी, और मलेशिया से भी, और अमेरिका से भी, तकरीबन 61 कंट्री के लोग तशरीफ लाए। और बाकी मजमा जो है इसके अलावा बांग्लादेश का था, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से भी तकरीबन 980 अफराद ने शिरकत की थी, और पड़ोस मुल्क से भी हजरात तशरीफ लाए में, और इस तरीके से कतर कुवैत से भी सब जगह से हजरात तशरीफ लाए, मेहमान आए। तो अल्लाह पाक के फजल से, अल्लाह के करम से इज्तिमा पूरा हो गया और बाफियत पूरा हो गया। अल्लाह पाक इस इज्तिमे को कबूल फरमाए, पूरे आलम की हिदायत का जरिया फरमाए, कारगुजारी। तो अल्लाह पाक आइंदे भी इज्तिमे को कबूल फरमाए, और हमारे हजरत जी दामत बरकातहू हजरत मौलाना साद साहब दामत बरकातहू अब की बार इज्तिमे में तशरीफ लाए, इसकी सब हजरात दुआ भी फरमाए। हाँ, 2-3 सालों से हजरत की शिरकत नहीं हो रही है, तशरीफ आवरी नहीं हो रही है किसी रुकावट की वजह से, तो दुआ फरमाए अल्लाह पाक सब आसान कर दे। आइंदा इस समय हजरत तशरीफ लाए, अल्लाह पाक हजरत के मुल्क में बरकत अता फरमाए,
حضرت کی حضرت مرکز نظام الدین دہلی کی بھی اور تمام کام کرنے والوں اللہ پاک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔